औरत के लिए नमाज का बेहतरीन वक्त से मुराद ये है कि बेहतर है कि वो इस पे अगर अमल कर सके, अगर किसी काम की वजह से या किसी और दूसरी मजबूरी के तहत अगर वो इस वक्त का ख्याल नहीं रख पाएगी तो नमाज में हर्ज नहीं है। फजर के लिए औरत के बेहतर वक्त जो है वो अंधेरे में है, यानी फजर का वक्त लगते ही उसको जल्द से जल्द नमाज पढ़ लेनी चाहिए, ये औरत के लिए बेहतर है फजर में। और बाकी नमाजों के अंदर मर्द की जमात हो जाने के बाद पढ़े, बाकी मगरिब में फ़ौरन पढ़नी चाहिए, उसमें ताखीर ना करें। और इसी तरह असर इशा और ज़ोहर के अंदर मर्द की जमात ख़त्म होने के बाद। अब किसी एरिया के अंदर अगर मस्जिद नहीं है, जमात ख़त्म हुई या नहीं, इसका अंदाज़ा अजान से लगा सकते हैं। अजान के आधे घंटे 45 मिनट बाद जमात हो जाती है, ये एक आइडिया लगा लें कि भाई ज़ोहर का टाइम जो है ना 2 बजे के आसपास होता है, तो 2 के बाद 3:30 बजे नमाज पढ़ी जा सकती है। तो बेहतर है औरत के लिए कि मर्द की जमात ख़त्म होने के बाद पढ़े फजर में, लेकिन पहले पढ़। अब अपनी कज़ा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान, विजिट करें qazacalculator.smsfarsi.com पर, और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम कज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें।